गाइस फिर से एक अनदर ब्लॉग के साथ आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है गाइस। तो आज गाइस पूरा रेडी हो के साथ बैग वगैरह पैकिंग होके आज घर से बाहर की ओर निकल पड़े हैं। तो चलिए गाइस आज कहीं घूमने उमने जाते हैं। तो आज थोड़ा सा दूर का प्लान बना है, तो चलिए घूमने के लिए और जा रहे हैं। तो इस ब्लॉग में बने रहिए गाइस, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए जाते हैं। मैं बस पकड़ने के लिए आ गया हूँ रोड किनारे, तो चलिए बस पकड़ने के लिए अभी यहीं से वेट करते हैं। आज का मेरा प्लान है मलूर से बेंगलोर की ओर और बेंगलोर से मंगलोर की ओर, तो पूरा 12-13 घंटे का सफ़र होने वाला है। तो अभी मैं बस को वेट कर रहा हूँ, तो वह अभी वेट करते हैं फिर 12-13 घंटे का सफ़र निकलते हैं गाइस। तो चलिए अभी बस आने तक इंतज़ार करते हैं। मैं मलूर बस स्टैंड आ गया हूँ, तो पीछे से आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से है। तो अभी रेलवे स्टेशन की ओर जाते हैं यहाँ से, तो चलिए रेलवे स्टेशन की ओर जाते हैं और आपसे फिर मिलते हैं। मलूर में शाम का कुछ इस तरह से नज़ारा है चौक में, तो यहीं से अभी ऑटो पकड़ के या पैदल से जाते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, 1 किलोमीटर रेलवे स्टेशन है। तो अभी हमारे पास टाइम है, तो इसीलिए मैं पैदल चल रहा हूँ और अभी पैदल ही जाऊँगा रेलवे स्टेशन की ओर। ज़्यादा दूर नहीं है, 1 किलोमीटर है, तो आराम से चलते हैं, अभी टाइम है, तो चलिए जाते हैं अभी। मैं मलूर स्टेशन आ गया हूँ अभी, तो यहीं से अभी जाते हैं स्टेशन की ओर। अभी ट्रेन में बैठ गया हूँ, तो चलिए यहाँ से हमारा सफ़र शुरू होता है बेंगलुरु की ओर। तो अभी यहाँ से बेंगलुरु की ओर चलते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ट्रेन पूरा खाली हो गया, ओनली मैं सिर्फ बैठा हूँ पूरा ट्रेन में। तो कुछ इस तरह से इधर साउथ एरिया में ट्रेन वगैरह दिखता है गाइस। बेंगलुरु स्टेशन पहुंच गए अभी, तो यहाँ से अभी आउटसाइड जाते हैं, थोड़ा कुछ खाते पीते हैं और फिर ट्रेन का टिकट भी लेना है मंगलुरु के लिए। तो चलिए आउटसाइड चलते हैं गाइस, बहुत ही भीड़ है यहाँ पर और क्राउड भी बहुत ज़्यादा है गाइस। तो चलिए आउटसाइड जाते हैं अभी। मैं स्टेशन से बाहर अभी आ गया हूँ, तो अभी टिकट वगैरह कटा के अंदर की ओर जाते हैं। तो टिकट वगैरह कटा लिए हैं, तो खाना पीना भी हो गया है, तो अभी बस 10-20 मिनट बाकी है, तो अंदर की ओर जाते हैं और हमारा गाड़ी फिर से रवाना होगी। तो चलिए अंदर की ओर चलते हैं। बाहर से रेलवे स्टेशन बेंगलोर का कुछ इस तरह से दिखता है गाइस।
तो गाइस आज का सफ़र हमारा कुन्नौर एक्सप्रेस में होने वाला है, तो गाइस वीडियो में बने रहिए। तो आज आप लोग को पूरा 12 घंटा का जर्नी है गाइस, तो चलिए 12 घंटा जर्नी करते हैं और आपसे फिर मिलते हैं गाइस। तो चलिए ट्रेन में जाते हैं। हेलो इंडिया, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग सब उनको। तो फाइनली बेंगलोर से 12 घंटे का सफ़र के बाद हम मंगलोर पहुंच गए हैं अभी। तो अभी पूरा बस स्टैंड के पास में सुबह, तो चलिए आप लोगों को मंगलोर का सुबह मॉर्निंग का बस स्टैंड कुछ दिखा देते हैं, मंगलोर में कुछ किस तरह से है। तो गाइस ये मंगलोर का बस स्टैंड कुछ इस तरह से दिखता है गाइस। तो ज़्यादा बड़ा बस स्टैंड नहीं है, कुछ इस तरह से है। मॉर्निंग में कुछ पूरा ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, पूरा खाली खाली सा लग रहा है। तो चलिए नेक्स्ट बाज़ार की ओर जाते हैं। तो अभी थोड़ा भूख भी लग रहा है, तो ब्रेकफास्ट करने के लिए किधर जाते हैं और ढूंढते हैं कहीं अच्छा जगह में, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा ठीक लगेगा। तो इसमें बैठ गए और यहाँ से पनमपुर बीच की ओर जा रहे हैं। तो चलिए आपको फिर बनमपुर बीच में मिलते हैं। फाइनली गाइस बीच के पास पहुंच गए हैं। तो चलिए आप लोग को दिखा देते हैं समुद्र किनारे कैसे होता है गाइस, बीच आप लोग को दिखाते हैं।
गाइस समुद्र किनारे घूमने के लिए आया था तो घूम लिए, अभी वापस जा रहे हैं। गाइस बहुत बड़ा बड़ा लहर उठ रहा है, घुसने के लिए भी डर लग रहा है। तो चलिए शाम में एक बार आते हैं, कोई दोस्त या लोकल आदमी को लेकर आते हैं, किधर घुसना है किधर नहीं घुसना है गाइस, नहीं तो बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे इसीलिए। तो फिर से चलिए टाउन की ओर जाते हैं। फाइनली गाइस मैं मंगलोर से बचपाई की ओर आ गया हूँ। ये मंगलोर से ज़्यादा दूर नहीं पड़ता है बचपाई, तो बस फ्रेंड को वहाँ आया हूँ अभी। तो हर तरफ पहाड़ी पहाड़ी आपको नज़र आएगा इधर, तो ज़्यादा हिल एरिया है। तो चलिए आप लोग को एक नज़र दिखा देते हैं किस तरह से है। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कुछ अभी शाम का टाइम है, तो अभी 6 बज गया है फिर भी इधर अभी अंधकार नहीं हुआ है। तो हर तरफ आपको बड़ा बड़ा हिल ही हिल देखने को मिलेगा, पूरा पहाड़ी क्षेत्र है क्योंकि ये समुद्र के किनारे पड़ता है इसीलिए। तो कुछ इस तरह से इधर अभी इधर का नज़ारा है, जगह काफ़ी अच्छा है।